दुनिया के सबसे हमारे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने भारत को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्ष में किया है, जिन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब तक लाभ पहुंचा करके उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे हरियाणा के पूर्व में यशस्वी मुख्यमंत्री रहे आदरणीय मनोहर लाल जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जो कमल का फूल नवीन जी जो इस क्षेत्र के पहले भी सेवा दे चुके हैं, आज यहां देकर के नवीन जिंदल जी को भेजा है, और जो उत्साह आप लोग कार्यकर्ताओं में देख रहे हैं, जो जोश यहाँ की जनता के अंदर देख रहे हैं, आज इस बात के ऊपर मैं ये बात कह सकता हूँ, प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका कुरुक्षेत्र के लोगों के साथ करेंगे। मैं बधाई देता हूँ नवीन जी को, क्योंकि बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किए। चक्कर काटने पड़ते थे माँ बाप को, नौकरी नहीं मिलती थी। मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब के बच्चे को भी नौकरी देने का काम वो किया है। इससे एक बड़ा लोगों के अंदर एक जो उत्साह और जो जोश है, युवाओं को भी लगने लगा है कि पहले सरकारें बात नहीं सुनती थी, अब हमारी बात को सुनती हैं। ये जोश भी युवाओं के अंदर है। और आदरणीय मनोहर लाल जी ने योजनाबद्ध तरीके से किसानों को सुरक्षित करने का भी काम किया है। उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से लगातार सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे ध्यान में है, कांग्रेस का अगर 10 साल का शासन देखें, मात्र 5668 करोड़ रुपया किसानों को उनकी फसल खराबे का भेजा। मनोहर लाल जी ने इन 9.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने 11,000 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम किया। देखिए, कांग्रेस के अंदर डर है और कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से मना भी कर रहे हैं, अंदर खाते कहीं ना कहीं उनको हार दिखाई दे रही है। और आने वाले समय के अंदर ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के फिर देश और प्रदेश को एक विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम करेगी।